वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन सत्यम क्लासेस। तो आज हम समझने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश ग्रामर कि इंग्लिश ग्रामर में आपको 50 नंबर कैसे गेन होते हैं और 50 नंबर आपके इंग्लिश ग्रामर में कैसे आएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले सेक्शन बी की जो कोई हम लोग ग्रामर कहते हैं, सेक्शन बी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रामर कहते हैं। तो आपके सबसे पहले सेक्शन बी में आता है नरेशन, जिसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा। सेकंड पे आता है आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस यानी वॉइस। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है, ये भी 2 नंबर का आता है। वॉइस का मतलब क्या, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। थर्ड आता है आपका सेंथेसिस, सेंथेसिस ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। सेंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। इसमें आपको एक सेंटेंस देगा, कहेगा कि इसे सिंपल में चेंज करिए, कंपाउंड में करिए, कॉम्प्लेक्स में करिए। फोर्थ नंबर पे आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, ये भी आप एग्जाम में 2 नंबर का आता है। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, ये सेंटेंस आपको असर्टिव रहेगा तो कह देगा इसे इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए, अगर पॉजिटिव है करेगा कॉम्परेटिव में करिए, कॉम्परेटिव है करेगा पॉजिटिव में करिए, सुपरलेटिव में करिए, यानी टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही 2 नंबर का आता है। फाइव पे आता है बाबू का सिंटेक्स, ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। इसमें क्या होता है, 3 सेंटेंस देगा आपको, 3 सेंटेंस में से 2 सेंटेंस करने होंगे, तो उसमें सेंटेंस में क्या गलती रहती है, वो एक सेंटेंस देगा इस सेंटेंस में गलती रहेगी, आपको गलती पहचाननी है क्या गलती है, उसे सही करके लिखना होता है, उसे कहते हैं हम लोग सिंटेक्स। सिक्स नंबर पे आता है आपका सिनोनिमियस, ये 3 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। और सेवन पे आता है आपका एंटोनिमियस, इन दोनों का मतलब क्या होता है, 3 नंबर का आपके एग्जाम में ये भी आता है। इसका मतलब होता है वो पर्यायवाची, यानी कि आपको एक सेंटेंस दे देगा, आपको एक वर्ड दे देगा, सेंटेंस नहीं बाबू वर्ड। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया एक लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो हमें लीव का छोड़ना होता है, हमें एक ऐसा ही वर्ड लिखना है जिसका मतलब भी क्या हो, छोड़ना हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब भी छोड़ना होता है। लिख दिया हमने एबॉन्डन, एबॉन्डन का मतलब भी छोड़ना होता है। हमने लिख दिया गिवअप, गिवअप का मतलब भी छोड़ना होता है। तो यानी कि हमें एक ऐसे वर्ड, हमें 3 वर्ड दे देंगे, तीनों वर्ड का हमें क्या लिखना रहेगा बाबू, सिनोनिमियस यानी पर्यायवाची लिखना होगा। जिस यानी लिप का मतलब भी छोड़ना, तो हमें ऐसा ही वर्ड लिखना है जिसका मतलब भी छोड़ना हो, जैसे फॉरसेक हो गया, एबंडन हो गया, गिव अप हो गया। एंटोनिमियस का मतलब होता है विलोम, जैसे गो मिस जाना, तो कम मिस आना, तो जाने का विलोम क्या है, आना। तो एंटोनिमियस भी आपके एग्जाम में 3 नंबर का आता है, एक एक करने होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं 3। आठवां आता है आपका होमोफोन्स, होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, होमोफोन्स का मतलब होता है कि आपको 2 वर्ड दे देंगे, 2 वर्ड, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया ब्रेक, वर्ड कोई भी हो सकते हैं, हमने आपको समझाने के लिए ले लिया हमसे इसको। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक, साइकिल का जो ब्रेक होता है या किसी भी व्हीकल का, वाहन का जो ब्रेक होता है, उसे हम लोग BREAK ब्रेक कहते हैं। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग भी डिफरेंस है और मीनिंग भी डिफरेंस है, तो आपको दोनों पे सेंटेंस एक एक बनाने होते हैं। जैसे मानी ब्रेक दे दिया, ब्रेक पे हम कह सकते हैं डोंट ब्रेक माई हर्ट, यानी मेरे दिल को मत तोड़ो, और फिर इस पे कह सकते हैं ब्रेक, जैसे ना यू ब्रेक्स टू स्टॉप द कार। तो आपका 8वां आता है अब इडियम्स एंड फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी आप एग्जाम में 3 नंबर के आते हैं, और ये आप एग्जाम में 2 नंबर का आता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, इसमें आपको जो जो एक वर्ड दिया रहेगा, इस वर्ड की मीनिंग कुछ और निकलेगी। जैसे हमने कहा ए वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट, अब ए वाइट का मतलब क्या, सफ़ेद एलिफेंट का मतलब हाथी, यानी एक सफ़ेद हाथी, लेकिन जो आपको दिख नहीं रहा फ्रेंड्स, यहाँ पर देते हैं हम ए वाइट एलिफेंट, वाइट का मतलब सफ़ेद, एलिफेंट का मतलब हाथी, यानी कि एक सफ़ेद हाथी इसकी हिंदी होनी चाहिए, लेकिन जो इसकी हिंदी होगी ए वाइट एलिफेंट की, वो होगा फिजूल खर्ची, तो उसी को हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं, यानी कि वर्ड कुछ और लिखा रहेगा, इसकी मीनिंग कुछ और होंगी। तो ए वाइट एलिफेंट फिजूल खर्ची, तो आपका 9वां पे आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आप एग्जाम में 3 नंबर का आता है। फिर 10वां पे आता है आपका ट्रांसलेशन, जो आता है आपको आपके डायरेक्ट 10 नंबर का। 11 पे आता है आपका एस्से राइटिंग, एसे राइटिंग जो आपके आता है एग्जाम में 12 नंबर का। इसमें आपको दे देगा एक एसे लिखना रहेगा किसी चीज पर। फिर 12 पे आता है आपका अनसीन पैसेज,
अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन ये आपके एग्जाम में आता है 6 नंबर का। तो सोचिए आपके पूरे ग्रामर के पोर्शन है, सेक्शन बी में आपको इतने सभी चीज़ें आती हैं और सभी करनी भी होती हैं। ये ना कि इसमें दो कुछ दो कर दिए दो छोड़ दिए 50 नंबर मिल जाएंगे, नहीं, 50 नंबर गेन करने के लिए सारी चीज़ें इसमें सबको करनी होती हैं। देख लेते हैं 50 पूरे में कि नहीं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13, 16, 3, 19, 19, 10, 29, 29 तो 31, 10, 41, 41 6, नहीं हुए क्या जी, 47। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स, एक ही छूट गया आपका, 13वां पे ऐड कर लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इसका मतलब क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अनेक शब्द के लिए सिर्फ एक शब्द, यानी कि आपको एक लंबा सा सेंटेंस दे देगा और इसके लिए सिर्फ आपको एक शब्द लिखने होंगे उसकी मीनिंग को समझकर। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देते हैं, दिख रहा है ना, दिख रहा है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं? तो सिर्फ आपको एक वर्ड में आंसर देना होगा, एथिस्ट, यानी कि नास्तिक। जो भगवान पर विश्वास नहीं करते उसे क्या कहते हैं हम लोग? नास्तिक कहते हैं। अब 47 और 3, 3 नंबर का आपके एग्जाम में ये आता है, 47, 3, 50। तो 50 नंबर की आपकी सभी ग्रामर्स हैं। तो हम आपको कल सिंथेसिस के साथ मिलते हैं। सिंथेसिस के जितने भी बेसिक चीज़ें होंगी सिंथेसिस के बारे में, वो आपको हम पूरी चीज़ें बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।